हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे के स्टडी इन्फो इस वीडियो में हम नेक्स्ट 50 एम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये जो एम है ये साइनस जियोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी इम्पॉर्टेंट एम हैं अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो आप हमारा प्ले चेक कर सकते हो और वो वीडियोज देख सकते हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहे स्टार्ट आवर वीडियो सबसे पहले हम यहाँ पर रिव्यून क्वेश्चन करेंगे हर दिन की तरह फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द टर्म कॉर्नर किक इज रिलेटेड टू गेम दर्म पर किस दिए गए हैं फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ नीज आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका सही आंसर नेक्स्ट रिव्यूजन क्वेश्चन है हु द द फिफ्थ ऑफ सिख यहां पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है अगर आपको सही ऑप्शन मालूम है अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइनड ऑन ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन की गई थी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अगर आपको पहले से आंसर मालूम है नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी मार्च 1846. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाहौर ट्रीटी वाज साइनड बिटवीन देश एंड सर हेनरी हार्डिंग्स ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं महाराजा रंजीत सिंह महाराजा हरी सिंह महाराजा दुलीप सिंह एंड ननाब्दीज आपको यहां पर कहना है लाहौर ट्रीटी किस किस के दरमियान साइन की गई थी एक का यहीं से क्वेश्चन में दिया गया है सर हेनरी हार्डिंग्स और किसके दरमियान ये साइन हुई थी इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी दैट इज महाराजा दलीप सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन विच महाराजा गुलाब सिंह प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल वाज साइंड ऑन ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस-किस के दरमियान हुई थी और कब हुई थी इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी दैट इज मार्च 1846 नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब सिंह परचेस्ड कश्मीर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी एट ए कॉस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं रुपीज सेवेंटी फाइव लेख ऑप्शन बी रुपीज थर्टी फाइव लेख ऑप्शन सी रुपीज नाइनटी फाइव लेख ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए देट इज रुपीज नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर प्लेन ऑफ जे एंड के आर ऑल्सो नून एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जे एंड के के आउटर प्लेन को क्या कहा जाता है ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन है पार्ट सी बोथ एंड अंदरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयाज इज कॉल्ड एज ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं कश्मीर खाड्स ऑप्शन सी बोथ एंड बी ऑप्शन डी ड्यून्स करेक्ट ऑप्शन है पार्ट डी देट इज ड्यून्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विष्णु देवी इज अ केव इन द विष्णु देवी एक केव है कहां पर है ऑप्शन ए ऑप्शन बी शिवालिक्स ऑप्शन सी आउटर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है पार्ट ए दैट इज देशर हिमालयाज नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वूमेन इन स्पेस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको कहना है फर्स्ट टू जो स्पेस में गई उसका नाम क्या था ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ आपको यहां पर कहना है कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है ऑप्शन है रांची ऑप्शन बी पटना ऑप्शन सी रायपुर ऑप्शन डी ननाबदीज है पार्ट सी रायपुर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम आपको कहना है सिक्किम की कैपिटल क्या है ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी देट इज गांग टोक नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कब अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन है पार्टी देट इज 1974 1974 में इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज जे के बोस स्टैंड फॉर ये आपके लिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जे के बोस स्टैंड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमर महल पैलेस प्लान बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट इन एटीन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं इन दस जहलिम तावी नानअपदीस करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट सी तावी तावी रिवर पर अमर महल पैलेस बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एफ वन मोटर रेसिंग ड्राइवर फ्रॉम इंडिया इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी दैट इज नरेंद्र क्रिस्टीकेन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नरर्स रूल इंपोज्ड इन जे एंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कब गवर्नर रूल इम्पोज किया गया था जे एंड के में ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन है पार्ट बी इज मार्च 1977 पहली बार गवर्नर रूल इम्पोज किया गया था जे एंड के में मार्च 1977 को नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलमार्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के क्वेश्चन है आपको कहना है गुलमार्ग किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बारामूला डोडा कोठवा एंड करेक्ट ऑप्शन है पार्ट ए दैट इज बारामूला गुलमार्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर लाइज इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन है पार्ट सी दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट लेक जम्मू एंड कश्मीर में कौन है ऑप्शन दिए गए हैं मानसबल लेक डल लेक 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 करेक्ट ऑप्शन इज 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 पार्ट बी डल नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज़ द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कहना है फर्स्ट कैप्टन कौन था इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम का ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन है सी के नायडू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइनड बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस किस के दरमियान साइन की गई थी एक महाराजा गुलाब सिंह और दूसरा कौन था इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट दैट इज बोथ मेजर लॉरेंस एंड फेडिक क्यूरी बेर्निट क्स्ट क्वेश्चन इज हु डायनेस्टी डूगरा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन है वह है पार्ट सी देट इज महाराजा गुलाब सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराजा गुलाब सिंह वॉज सक्सीडेड बाई महाराजा गुलाब सिंह के बाद कौन सा रूलर आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका जो सही ऑप्शन है वह है पार्ट डी देट इज महाराजा रमवीर सिंह अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि कैसे इनका नाम याद रखना है आप इसको एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हो जी आर पी एच गुलाब सिंह रणबीर सिंह प्रताप सिंह एंड हरी सिंह यह है इनका राइट आर्डर इस ऑर्डर में आप इनका नाम याद रख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो गुलाब सिंह के बाद रणबीर सिंह आया तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्टी देट इज महाराजा रणबीर सिंह नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द मानसबल लेक सिचुएटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मानसबल लेक किस से फेमस है इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पर मानसबल लेक सिचुएटेड है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन इज द अदर नेम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन से यह क्वेश्चन है आपको कहना है राइबोफ्लेविन किस अनदर नेम है ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं विटामिन बी टू विटामिन बी थ्री विटामिन बी सिक्स एंड विटामिन बी करेक्ट ऑप्शन है पार्ट ए दैट इज विटामिन विटामिन को ही राइबोफिलेवन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑफ नून एज न्यूटन फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑप्शन बी लॉ ऑफ वेलोसिटी ऑप्शन सी लॉ ऑफ स्पीड ऑप्शन डी लॉ ऑफ रेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए दा ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द वाइट ब्लड सेल्स आर डब्ल्यू बी सी प्रोड्यूसड ऑप्शन बाइल डाक्ट लार्ज इंटेस्टाइन ऑप्शन सी बून ऑप्शन डी पेनक्रीज इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी दून मेरो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया चेंज कैपिटल सिटी फ्रॉम कलकत्ता दिल्ली किस ईयर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल चेंज की कैपिटल सिटी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन है पार्ट बी दैट इज नाइनटीन अलेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एट मेंबर स्टेट्स ऑफ सार्स

रंजीत सागर डेम इज ऑफ रिवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेम से रिलेटेड क्वेश्चन है रंजीत सागर डैम किस रिवर पर ब्यूल्ट किया गया है ऑप्शन दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन है पार्ट बी डेट इज रावी रिवर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट जो ऑप्शन है वो है पार्ट ए दैट इज अरावलीज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस इज आल्सो कॉल्ड द मीडो ऑफ गोल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडो ऑफ गोल्ड किसको इनमें से कहा जाता है इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी दैट इज मरक सोना मीन इज गोल्ड इसी तरह पहलगाम वैली ऑफ शिफोर्ड्स इसी तरह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना गुलमर्ग का क्या दूसरा नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल हाईवे विच कॉनेक्ट द कश्मीर वैली टू जम्मू इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कहना है कौन सी नेशनल हाईवे है जो जम्मू को कश्मीर वैली से कनेक्ट करती है ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए इज दन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनस से रिलेटेड मैटर चेंजिंग फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड जो ही कोई मैटर चेंज होता है सॉलिड टू गैस उसको क्या कहते हैं उस प्रोसेस को इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी इज सब्लिमेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेड क्रॉप इन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कहना है जेड क्रॉप इनमें से कौन नहीं है इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट ए देट इज वीट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज फेमस फॉर साइकिलिंग एंड मोटर बाइकिंग इन जे एंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूरिस्ट डेस्टिनेशन से रिलेटेड आपको कहना है कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फेमस फॉर साइकिलिंग एंड मोटर बाइकिंग इन जे एंड के इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी इज पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर माथा टॉम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन जे एंड के पीर माथा टॉम्प कहाँ पर लोकेटेड है जे एंड के में ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं जम्मू श्रीनगर उधमपुर अनंतनाग करेक्ट ऑप्शन है पार्ट ए दैट इज जम्मू जम्मू में पीर मिथा टॉम लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरी डैम ऑन द जेहलिम रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के यहीं से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यूरी डैम किस रिवर पर लोकेटेड है जेहलिम रिवर पर और किस डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन है बारामूला बारामूला डिस्ट्रिक्ट में यूरी डैम लोकेटेड है और उसी के साथ साथ जहलिम रिवर पर ये लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक मुगल्स है टू आर्टिफिशियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुगल्स ने किस लेक पर दो आर्टिफिशियल आइलैंड्स ब्यूल्ट किए हैं ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट बी देट इज डल लेक इस डल लेक पर पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया है जिसको नेहरू पारा कहा जाता है वो उमर अब्दुल्ला ने ऑर्गेनाइज की 2011 में इस एस बी की तरफ से 2004 में ए भी एस्टेब्लिश किया गया है इसमें फर्स्ट ओपन एयर थिएटर भी बनाया गया है डल लेक पे जिसमें जो पहली फिल्म दिखाई गई वो थी कश्मीर की कली और वो किसने ऑर्गेनाइज की वो था चीफ सेक्रेटरी ए के मेहता ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डल लेक से रिलेटेड हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणबीर सिंह वाज सक्सीडेड बाय अभी मैंने आपको कहा किस तरह से आपको ये याद रखना है महाराजा रणबीर सिंह के बाद कौन आया जी आर पी एच तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रताप सिंह ऑप्शन सी इज करेक्ट दैट इज प्रताप सिंह महाराजा रणबीर सिंह के बाद प्रताप सिंह आए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द टू माउंटेन रोड्स जेहलिम वैली रोड एंड बानिहाल काट रोड स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया ज्यूरिंग द रीन आ दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रोड्स बनाए गए हैं एक का नाम है जेहलिम वैली रोड और बानिहाल काट रोड किसने बनाए हैं यहां पर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं सही ऑप्शन आपको चूज करना करेक्ट ऑप्शन है पार डी देट इज महाराजा प्रताप सिंह महाराजा प्रताप सिंह ने जेहलिम वैली काट रोड और बानिहाल काट रोड ब्यूल्ट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग लेक्स इज नेम्ड आफ्टर टू स्मॉल इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट बी देट इज सनासर लेक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द टूरिज्म सेक्टर इन जे एंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन दिए गए हैं जेके टी एस सी जेके टी पी सी ऑप्शन सी जेके टी डी सी ऑप्शन डी नानाबदीज कौन सा सेक्टर जे एंड के टूरिज्म को ऑर्गेनाइज करता है इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्ट सी देट इजे टी डी सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हु लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ माता विष्णु देवी टेम्पल ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपको सही ऑप्शन चूज करना है करेक्ट ऑप्शन है पार्ट ए दैट इज एस एम वी डी श्राइन बोर्ड श्री माता विष्णु देवी श्राइन बोर्ड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इनकोरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द भागी बहु फोर्ट

उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड लक